साथ ही ऐसे आरोप लगाते रहेंगे। इन सबके बीच में एक बड़ी खबर और आपको बता दें, संजय सिंह को कल सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का फैसला दे दिया और कहा था कि जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। और अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देने का आदेश दे दिया है और साथ में शर्तें भी तय कर दी है। ये ऑर्डर अब जेल जाएगा। दूसरी तरफ संजय सिंह को आज ILBS अस्पताल से डिस्चार्ज होना है और डिस्चार्ज होने के बाद वो तिहाड़ जेल जाएंगे। जेल को आदेश मिलने पर संजय सिंह को रिहा किया जाएगा। तो देखिए, जब भी कभी रिहाई मिलती है तो ऐसा ही होता है कि कोर्ट कुछ शर्तें तय कर देता है, यानी कि उन शर्तों को आपको मानना होगा, उसके बाद रिहाई होगी। जैसे कि आपको अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा, संजय सिंह को अपना पासपोर्ट जमा करा देना, यानी कि विदेश का दौरा वो नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अभी बेल मिली है, ये मामला चलता रहेगा। लेकिन संजय सिंह के लिए ये एक बड़ी राहत है, जो 6 महीने से जेल के अंदर थे लेकिन अब उन्हें जमानत मिल गई है। उनकी पत्नी ये कह रही है कि खुशी की बात तो है लेकिन असली खुशी तब होगी जब तीनों भाई वापस आ जाएंगे, यानी कि अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। तो जमानत की शर्तें तय कर दी गई है। NCR से बाहर जाने पर जांच अधिकारी को बताना होगा, अपने फोन की लोकेशन उन्हें ऑन रखनी होगी, जांच अधिकारी को अपना नंबर भी देना पड़ेगा, पासपोर्ट भी सरेंडर संजय सिंह को करना पड़ेगा। इन तमाम शर्तों के साथ उन्हें रिहाई दी गई है। लेकिन जांच में सहयोग की मांग भी की गई है कि जब भी उनसे पूछताछ होनी होगी वो हाजिर होंगे पूछताछ के लिए। मामले में उनकी भूमिका क्या थी इसे लेकर बाहर कहीं कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मानव हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। मानव, राहत तो मिली है लेकिन शर्तें भी तय कर दी गई हैं और ऐसा नहीं है कि आप जांच के दायरे से बाहर हो गए हैं। बाहर जरूर है लेकिन जांच आप पर चलती रही। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है और एक बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस मामले में जो बाकी 15-16 और आरोपी हैं, इस जमानत के फैसले को, ऑर्डर को एक नजीर के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाएगा। यानी इस जमानत से दूसरे आरोपियों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर कह दिया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही जो न्यायिक हिरासत थी वो दी गई थी। तो ऐसे में ट्रायल कोर्ट को ही दिशा निर्देश देने होते हैं कि आप अगर जमानत पर बाहर जाएंगे तो आपको क्या कुछ करना होगा। तो दिशा निर्देश तय किए गए हैं, दिल्ली NCR के बाहर अगर संजय सिंह जाएंगे तो उनको बाकायदा IO, जो इस पूरे मामले के जांच अधिकारी हैं, उनको जानकारी संजय सिंह को देनी होगी। इसके अलावा उनका जो पासपोर्ट है वो जब्त किया जाएगा। और ये एक बड़ी बात थी जो ED की तरफ से कल हमको जानकारी मिली कि ये कहा गया था कि हमको ऐसा लगता है कि संजय सिंह बाहर तो नहीं जाएंगे। और जो जांच चल रही है, आपको याद होगा सिर्फ 2 करोड़ रुपए का मामला था। इस पूरे मामले में अगर संजय सिंह को देखें तो ये कहा गया कि संजय सिंह को लेकर पूरी आबकारी नीति में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। उनके एक सहयोगी के जरिए 2 करोड़ रुपये रिश्वत लेने की बात जरूर कही गई थी और उसको लेकर सबूत जब ED पेश नहीं कर पाई तो ये कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, कि संजय सिंह को एक तरीके से क्लीन चिट के तौर पर आम आदमी पार्टी इसको देख रही है। हालांकि जो कानूनी जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि इस जमानत को एक मिसाल के तौर पर नहीं देखा जाएगा और इस मामले में बाकी आरोपियों को बहुत ज़्यादा मदद इस जमानत के मिलने के बाद नहीं मिलने वाली है। ठीक है मानव, बने रहिएगा आप हमारे साथ, दोबारा आपका रुख करेंगे। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत पर जो शर्तें तय की हैं उसके मुताबिक संजय सिंह जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर भी देंगे और लगातार उनके संपर्क में रहेंगे, साथ ही जांच में सहयोग करते रहेंगे। और दिल्ली शराब घोटाले पर प्रेस में कोई बयानबाजी नहीं कर सकते संजय सिंह। इस दौरान कोर्ट ने संजय सिंह को पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए भी कहा है, यानी संजय सिंह विदेश नहीं जा पाएंगे और अगर वो NCR यानी दिल्ली और आसपास के इलाके से निकलते हैं तो भी उन्हें जांच अधिकारी के साथ अपनी जो लोकेशन है वो शेयर करनी पड़ेगी। वही संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर सियासत हो रही है, आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ी जीत बताया तो वही BJP ने पलटवार करते हुए कहा कि बेल मिलने का मतलब मुकदमा खत्म हो जाना नहीं होता है। संजय सिंह जी की जमानत मिलने के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो बात बार बार कही जा रही थी कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रमाण के, डरा करके, धमका करके, दबाव बना करके लोगों को सरकारी गवाह बना करके झूठे आरोप लगा करके ये सारी गिरफ्तारियां की गई हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में ये सारा सच सामने आया है। बेल मिलने का मतलब ये कि मुकदमा खारिज हो गया है। लालू यादव को भी चारा घोटालों में बेल मिल गई थी, नवजोत सिंह सिद्धू को भी बेल मिल गई थी परंतु अंतकत्वा सजा हुई, तो ये मुकदमा भी चलेगा, ये मामला भी चलेगा। ED अपने और तथ्य पेश करेगी परंतु ये जो अपनी तरफ से ये ढोल पीटने की हमको बड़ी बड़ी अचीवमेंट हो गई ऐसा नहीं है।
और इस बीच अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल का वजन घट गया है। उनके दावे पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने अब साफ किया कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ठीक है, लगातार डॉक्टरों की निगरानी में। जेल प्रशासन का यह भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में आए थे तो वजन 65 किलो था और अभी भी उतना ही वजन है, और आज उनका शुगर और बीपी भी टेस्ट किया गया जो डॉक्टरों के मुताबिक नॉर्मल बताया जा रहा है। यानी कि आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगा रही हैं कि जिस तरीके से उनको शुगर है या जिस तरीके से उनका वजन घट रहा है उस पर जांच होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। लेकिन अब जेल प्रशासन ने अपनी ओर से सफाई दे दी है। 65 किलो वजन था जब आए थे अरविंद केजरीवाल, जब उनकी गिरफ्तारी हुई, और अभी भी उनका वजन 65 किलो है और शुगर भी नॉर्मल है, रेगुलर चेकअप हो रहा है उनका। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, केजरीवाल की सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी की तरफ से बड़ा दावा किया गया। हालांकि जेल प्रशासन की तरफ से भी इन दावों का खंडन करते हुए कहा गया कि जब केजरीवाल जेल आए थे जितना उनका वजन तब था उतना ही अभी भी है, केजरीवाल बिल्कुल ठीक है। जब से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा, 1 बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। आतिशी को अप्रोच करने की हमें जरूरत नहीं है, पूरी तरह से मनगढ़ंत झूठा और बेबुनियाद आरोप था। उनको चाहिए कि अपने अधिकारियों से भी कहें कि उनका ध्यान रखें। हमारी जानकारी के हिसाब से अरविंद केजरीवाल को बिस्तर घर का मिल रहा है, खाना उनकी पत्नी खुद बना के भेज रही है, तो कमी किस चीज़ की रह रही है। फिर भी अगर उनके स्वास्थ्य को लेकर उनकी चिंता है तो जेल उनके अधिकार क्षेत्र में आती है, सरकार उनकी है, चिंता कर। और बात केरल के वायनाड की करते हैं, जहां राहुल गांधी आज अपना नामांकन दाखिल कर रही है, और अभी राहुल गांधी वायनाड में रोड शो कर रहे हैं और उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केरल से ये तस्वीर आप देखिए, केरल के वायनाड में राहुल गांधी प्रियंका गांधी यहां रोड शो कर रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता यहां पर एक साथ जुटे हुए हैं। तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं वायनाड से, जहां पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस वक्त एक रोड शो कर रहे हैं।